तो वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और मॉर्निंग के 10 बज रहे, 10:30 हो रहे हैं और नींद तो आ रहा है, लेकिन पूछते ही नहा धोवा के खाना पीना खा के 1 राउंड सोना है एक ही बार में, क्योंकि बेटी अभी ज़्यादा देर सोने वाली है नहीं, वो आधा घंटे एक घंटे मुड़ जाएगी और फिर से हल्ला गुल्ला चालू करेगी। इसीलिए मैडम जी को बोले कि खाना पीना बनाइए, एक ही बार में खाना वाना खा के। क्या बन रहा है? दाल भात आलू बड़बटी कीजिए और सोच रहे हैं बैंगन में कुछ कर दे। बैंगन में क्या कीजिएगा, जान ले लीजिएगा। बैंगन भजा खाते, बैंगन भजा आमी ना खाबो गो, बैंगन भजा क्या ना खावे ना हो तू ही बैंगन भजा ला परोटी खिला। मेरा गाल देख रहे हैं कितना फूल गया है। ज़्यादा खाइए तो ऐसी होगा, ज़्यादा खाने की वजह से नहीं हुआ। भाई सो के उठ गई है ये बदमाश। अरे एक घंटा के इनका भारी नींद हो गया है, अभी मेरा ऊपर और मेरा लैपटॉप के ऊपर कूदने का प्रयास कर रही है। बेटा बाय बाय करके दिखा दो तो बाय 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 कर दो। ताई ताई नहीं बेटा, बाय 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 टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय कर दो। बदमाश ताई ताई जूस ला दीजिए, जूस पिएगी बेटा। हाँ तो भाई एक लंबा रेस्ट के बाद शाम में 6-7 बजे उठे, नींद सही से आ नहीं रहा था। ड्राइवर लोगों का एक प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नींद भी तो सही समय में आना चाहिए, पूरा बदन थक जाता है। लेकिन रात ऐसे तो मॉर्निंग आया तो 1-2 घंटे सोए, फिर बैठी हुई दोपहर में सोए तो थोड़ा बहुत नींद हुआ। पीआर लगा हुआ है, आज रात भर सोना है, उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अवेलेबल है। 9 बजे अवेलेबल है। तो अभी खाना पीना जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करना है, उसके बाद फिर सोना है, सुबह देखते हैं क्या होता है। हमारी तनिषा रानी कहाँ से लेके आ गए बेटा ये लात? मुँह में नहीं लेते बेटा, मुँह में नहीं लेते, गंदा बात गंदा बात। हाँ गंदा बात। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे कि ड्यूरिंग ड्यूटी, अगर ड्यूटी आवर्स में और आप गाड़ी लेके चल रहे हैं और किसी कारण से आपके इंजन फेलियर हो जाता है इन मिड सेक्शन माने बीच सेक्शन, आप तो एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये पैसेंजर गाड़ी एक जा रही है और जंगल के पीछे बीच इंजन जो है उसका काम तमाम हो गया, माने इंजन किसी कारण से वो ट्रैक्शन नहीं दे पा रहा, माने पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है, खींचने का जो ट्रैक्शन होता है ट्रैक्शन पावर जनरेट नहीं करता। अमूमन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मतलब ये ना होने के बराबर है, 99.99% नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजन में है 2 बोगी रहता है, 2 बोगी में 3-3-6 ट्रैक्शन मोटर लगे रहता है, 1 बोगी किसी कारण से ख़राब हो जाए तो 1 बोगी ट्रैक्शन देता है। और दूसरी चीज़ एक मेजर फॉल्ट आ सकता है कि आपका इंजन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये सब फॉल्ट किसी कारण से मिड सेक्शन में आने से एज अ ड्राइवर हम लोग क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ जो है लास्ट ट्रिप में मेरे साथ हो चुका है, हम डिस्कस किए थे कि हम जो गाड़ी में चढ़े वो भी फेलियर हो गया। तो इसमें पहला चीज़ जो होता है हर ड्राइवर को एक ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी दिया जाता है, TST जिसको बोलते हैं, और ऑन मोबाइल ऐप्स में भी ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी है कि आप लोगों का ट्रबल शूट कैसे करें, उसमें गवर्नमेंट अप्रूव है कि आप उस ऐप्स के द्वारा आप ट्रबल शूट करके इंजन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हर ड्राइवर का ग्रुप जो होता है, ग्रुप का एक CLI होता है, चीफ लोको इंस्पेक्टर, वो जो होता है वो इसी काम के लिए बेसिकली मेनली यही काम के लिए है, ऐसे वो ड्राइवर लोगों को अपडेट करते रहता है, लेकिन बेसिक वर्क जो है उनका यही काम है। अगर किसी कारण से यानी फॉल्ट आता तो उनको कॉल करके वो जैसे इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करके करना है। तो 2 मेजर सपोर्ट हो जाता है अपना। और उसके बाद है TLC जो है वो CKP में बैठता है और वो लोगों का सारा निराकरण TLC करता है, हर डिवीज़न का डिवीज़न हेड हेडक्वार्टर में बैठा रहता है वो। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर अगर उसको बोलते हैं तो वो आपको फिर वो भी एक डायरेक्शन देता है, उसके डायरेक्शन के अनुसार भी काम करता है, लेकिन फाइनली
जो फाइनल कांड होता है वो हेडक्वार्टर सीकेपी, जैसे हम लोग चकदरपुर डिवीजन है, चकदरपुर में हेडक्वार्टर में जो बैठा हुआ वो फाइनल आपको आदेश देता है कि क्या करना है। बाय द वे इंजन अगर ठीक नहीं हुआ तो वही दूसरा इंजन का फिर प्रबंध कराता है या इंजन को डेड करने बोलता है। अगर मान लीजिए गुड्स लोग को यार किसी कारण से ख़राब हो गया और अभी एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो TLC इंस्ट्रक्शन देता है कि वहीं पर रुकिए, हम और एक इंजन पीछे से आगे से भेज रहे हैं और फिर गाड़ी आगे मूवमेंट करता है। और अगर पैसेंजर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो पैसेंजर में भी फिर सेम चीज़ किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है। जब भी कुछ भी कांड होता है अगर पैसेंजर है, क्योंकि पैसेंजर बहुत इमरजेंसी चीज़ है, क्योंकि उसमें पैसेंजर है लोग हैं, अगर 20 सेक्शन में कुछ होता है तो TLC मतलब ज़्यादातर वो मतलब अपना दिमाग लगाता है कि इससे पहले वाले स्टेशन या पिछले वाले स्टेशन में जो भी गाड़ी होता है, गुड्स ट्रेन हो, कुछ भी हो, गुड्स ट्रेन हो, तो उसका इंजन को काट कर सबसे पहले इसको सपोर्ट देने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि पहले उसको मीट सेक्शन से स्टेशन तक, अगला स्टेशन या पिछला स्टेशन कहीं भी पहुंचाया जा सके, ताकि उसमें जो इंजन में खराबी है उसको देखा जा सके। तो भाई यही सब है, तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जगह जा भी रहे हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।